दोस्तों बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड 2024 एडमिशन के लिए ऑनलाइन शुरू कर दिया गया। इसके लिए आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है वो पर हम जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन लेकर फाइनल प्रिंट आउट करने तक का जो है पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है समझ में आ सके। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिहार के या अदर किसी दूसरे राज्य से भी हैं तो भी आप यहाँ पे जो है यूपी से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। और बहुत ही सस्ता कोर्स है, गवर्नमेंट फी बहुत ही सस्ता है, इसके अलावा प्राइवेट फी भी बहुत ही सस्ता है। 2 साल का ये डीएलएड कोर्स है, लेकिन यहाँ पे आपको जो एक टर्म कंडीशन है, क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन बोला गया है। बिहार में इंटर बाद ही आप डीएलएड कोर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन जो है होनी चाहिए। मैं आपको प्रॉपर जानकारी देता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन फी, कॉलेज फी, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पे मैं बता दूँ, उसके बाद से मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको जो है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो 700 रुपया है, जिसमें बीसी वीसी आ जाएगा 700 रुपया, अदर स्टेट से भी है तो भी आपको 700 रुपया है। एससी एसटी के लिए 500 रुपया, विकलांग श्रेणी के 200 रुपया आपको आवेदन शुल्क यहाँ पे देना होगा फॉर्म भरने के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे चयन प्रक्रिया की, तो बिना एंट्रेंस एग्जाम पे यहाँ पे चयन प्रक्रिया होता है, जो आपके मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जिसमें जो आपके मार्कशीट होते हैं उसके बेस पे आपका जो यहाँ पे चयन होता है। जो भी कैंडिडेट का चयन हो जाएगा उसको जो प्रशिक्षण शुल्क है वो आपका 2 वर्षीय में कितना खर्च आएगा मैं बता दूँ। रेगुलर यहाँ पे आप होते हैं 4 सेमेस्टर इसमें होते हैं और प्रति वर्ष आपको 10,200 रुपया आपको खर्च लगते हैं। मतलब 1 साल का जो यहाँ पे आपका फी है 10,200, ये गवर्नमेंट कॉलेज का आपका जो है रहने वाला है। इस तरह से आप देखिए जो है अच्छे से डिवाइड करके दिया गया है किसका कितना फी आपको यहाँ पे लगने वाला है। 10,200 रुपया आपको हर वर्ष आपको देना होगा, मतलब 2 साल का कोर्स है तो 20,400 में आप कंप्लीट कर लेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो प्राइवेट संस्थान है, निजी संस्था, उनके लिए मैक्सिमम फी 41,000 जो है प्रति वर्ष निर्धारित किया गया। अगर आप प्राइवेट से भी करेंगे ना तो यहाँ पे आपका जो है 82,000 में दोनों साल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज आपका जो है एप्लीकेशन फी, सॉरी यहाँ पे जो है आपका कोर्स का फी यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ बताया गया कि किस प्रकार से आपका प्रवेश होगा। सबसे पहले आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ऑनलाइन आवेदन कर देंगे उसके बाद से आपको बताया गया है कि उल्लेखित हाई स्कूल इंटरमीडिएट व स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आग्रह करते हुए अवरोही क्रम में मेरिट लिस्ट सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा यानी एनआईसी लखनऊ के सहयोग से तैयार किया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपके मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन में जो आपके प्रतिशत है प्राप्तांक प्रतिशत उसके आधार पे आपका जो यहाँ पे चयन होगा और एक जो है स्टेट जो है कट ऑफ जारी किया जाएगा जिसके बेस पे आप लोग काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरेंगे। समझ रहे ना, तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया आपको जो है अच्छे से बता दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फॉर्म भरते समय आपको प्रतिशत जो है मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का सही से आपको जो है करना होगा, मतलब जानकारी देना होगा। और देखिए यहाँ लिखा हुआ निवास, उत्तर प्रदेश का आप निवासी है तो आपको निवास प्रमाण पत्र, अगर आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। और यहाँ पे आपको अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भरेंगे, लेकिन यहाँ बताया गया कि जांच चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण के उपरांत बचे हुए सीटों पर यदि कोई सीटें रह जाती है तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में रिक्त सीटों के प्रति प्रवेश हेतु संस्था का विकल्प भरे जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में अदर स्टेट वालों का भी लिस्ट में नाम आएगा, पहले जो होगा वो सारे के सारे उत्तर प्रदेश के निवासी जो होंगे उनको जो है पहले यहाँ पे रखा जाएगा। शैक्षणिक अर्हता बताया गया है फ्रेंड्स, देखिए मैट्रिक पास होने चाहिए, इंटर भी पास होने चाहिए और उसके बाद से स्नातक परीक्षा भी आप कम से कम 50% अंकों के साथ पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। वही कोई एससी एसटी से आता है, अन्य पिछड़ा वर्ग से आता है, विकलांग से आता है, स्वतंत्र सेनानी से आता है तो उनको जो है 45% यहाँ पे बताया गया, 45% के साथ अगर आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए तो आप फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। आपकी उम्र जो है न्यूनतम 18 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 35 वर्ष बोला गया है। 1 जुलाई 2024 को आपका उम्र सीमा का गणना यहाँ पे किया जाएगा और यहाँ पे न्यूनतम उम्र सीमा में कोई छूट नहीं है, 18 वर्ष कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा में छूट है, जैसे कि आप देखेंगे एससी एसटी को और बीसी कैटेगरी को यहाँ पे 35 वर्ष में आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी यानी 40 वर्ष हो जाएगी और विकलांग को 15 वर्ष की 35+15 जोड़ेंगे तो उतना आपको छूट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको जो है उम्र सीमा में भी आपको छूट देखने को मिलेगा। ये हमने इंपोर्टेंट बातें को बात कर लिया, अब हम बात करते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस को पढ़ लेना है, रजिस्ट्रेशन फी वगैरह और ये भी गाइडलाइंस, फोटोग्राफ सिग्नेचर का भी आप यहाँ से एक बार जरूर पढ़ लेंगे। फोटोग्राफ गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ फोटोग्राफ का कि किस प्रकार से होना चाहिए, सिग्नेचर का गाइडलाइंस किस प्रकार से होना चाहिए, आप एक बार यहाँ पे जरूर देख लेंगे। अब यहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट, फिर आपको जो है फिल एप्लीकेशन, अपलोड सिग्नेचर फोटो, फिर आपको कंप्लीट करना है फॉर्म को। जो आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है वो 18 सितंबर से 9 अक्टूबर तक फॉर्म भरेंगे, लास्ट डेट जो है सबमिट करने का फी 10 अक्टूबर है और आपको यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने का जो है फी, प्रिंट निकालने का 12 अक्टूबर तक लास्ट डेट रखा गया है। पार्ट वन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे, आपका इस प्रकार से जो है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेंगे, यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, जैसे आप इसको टिक करेंगे आपका आगे वाला प्रोसेस यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ये देखिए पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको जो है
क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है, अपना पूरा नाम यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे, जो भी आपका नाम है, दीपक कुमार है तो दीपक कुमार ऐसे आप लिख देंगे, जो भी है आप लिखेंगे, फादर्स नेम जो भी है लिखेंगे, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको फिल कर देना, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए हम यहाँ पे 1/1/2001 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं ऐसे लिख देंगे, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। फिर यहाँ डोमिसाइल, यूपी का निवासी तो यूपी चूज करेंगे, अदर देन यूपी है तो अदर देन यूपी, मतलब अदर स्टेट से है, यूपी के अलावा दूसरे स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, तो अदर देन यूपी यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको अदर देन यूपी चूज करेंगे तो अनरिजर्व ही सिर्फ आपको देखने को मिलेगा, अगर आप यूपी के हैं तो आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में यहाँ पे आपको एससी एसटी भी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एससी एसटी इकोनॉमिकली वीकर या ओबीसी, अब यहाँ पे सब कैटेगरी में आपको बताना है इसमें से कोई है आप विजुअल, मतलब विकलांग टाइप का, एक्स आर्मी सर्विस मैन या फ्रीडम फाइटर तो बताएंगे, वरना इसे एनए कर देंगे। जेंडर बताएंगे यहाँ से मेल फीमेल, यहाँ पे आपको बताना है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपको अपना ग्रेजुएशन के बारे में बताना है कि आप किस जो है यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आपको ग्रेजुएशन है तो वो आपको यहाँ पे भरना होगा। तो जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो जिस भी यूनिवर्सिटी से, उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से आपको दिख रहा है तो चूज करेंगे, नहीं दिख रहा तो अदर यूनिवर्सिटी आप चूज करेंगे, और यहाँ पे कॉलेज का नाम लिख देंगे, पासिंग ईयर, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, मार्क्सिट नंबर, टोटल मार्क्स और कितना मार्क्स मिला है, प्रतिशत ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर इस कैप्चा कोड को भर के आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका जो है सारा जानकारी शो होता है, आपको एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना कि जो भी आपने यहाँ पर जानकारी दिया है वो सब चीज सही, इसमें कुछ भी गलती है तो आप बैंक जाकर सुधारेंगे, नहीं गलती है तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, यस डू प्लीज पे क्लिक कर देंगे। अब आपका जो है यहाँ पे फॉर्म फाइनल सबमिट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस आपका कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए इस प्रकार से ये ओपन हो रहा है, इस प्रकार से आपका आ गया, ये देखिए क्या आ रहा है, हाँ लिख रहा है कि सक्सेसफुली आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, आप को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो मोबाइल नंबर पे है वो डिटेल्स आपको भेज दिया गया। अब आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक एसएमएस आ गया होगा, आप एक बार जो है एसएमएस को चेक करेंगे, वहां पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया होगा, आप उसको यहाँ लिखेंगे और जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया था वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखेंगे, कैप्चा कोड को भरेंगे और आप जो है सिंपल लॉग इन कर लेंगे। तो चलिए अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप लॉग इन करना है। जैसे ही लॉग इन करेंगे तुरंत आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आता है और यहाँ पे आपको ओटीपी तुरंत ही रिसीव हो जाता है, मेरे केस में तुरंत रिसीव हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ओटीपी को लिख देंगे और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आप जो है डैशबोर्ड को एक्सेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको इस प्रकार से जो है आपकी पर्सनल जानकारी शो होता है, आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप है फी पेमेंट जमा करना, तो दूसरे स्टेप में आपको फी पेमेंट जमा करना है। फिर अगला तीसरा पार्ट आता है आपको रेशन फॉर्म को पार्ट टू को कम्प्लीट करना, चौथा स्टेप फोटो सिग्नेचर और पांचवा स्टेप ईमेल और प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन है। तो हम पे फी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अब हमको जो है एप्लीकेशन फी जमा करना होगा, हम यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमको पेमेंट गेटवे आ जाएगा, हम यहाँ पे जो है आपको बताएगा सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, आपके पास यहाँ पे इजी पे का भी ऑप्शन है, इसके अलावा यहाँ पे आपको SBI एमपोस्ट का भी ऑप्शन है, और यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन को पहले टिक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला चूज कर लेते हैं या SBI का चूज कर लेते हैं, कोई भी हम चुनाव कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके थ्रू पेमेंट जमा करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है कि अगर आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, आगे जो है ऑटो वेरिफिकेशन रिस्पॉन्स काम नहीं करता है, तो आपको 24 आवर्स वेट करना है पेमेंट जमा करने के बाद, यानी कि दोबारा भी पेमेंट आप जमा कर दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको जरूर जो है ध्यान में रखना है। चलिए हम यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन के थ्रू हम पेमेंट जमा कर लेंगे और यहाँ पे हम आगे प्रोसेस कर लेते हैं पेमेंट जमा करके। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पेमेंट तो जमा कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो है व्हाइट स्क्रीन आ गया, इस केस में आपको एक बार पेज को रीलोड करना है। अगर यहाँ पे आपका आ जाता है डैशबोर्ड तो सही बात है, नहीं डैशबोर्ड आता है तो आपको क्या करना है ना, लॉग इन करना है। कैसे लॉग इन करना है, तो यूपी डेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है दूसरा वाला ऑप्शन को, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ लिखे कैप्चा कोड भर के लॉग इन करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करेंगे, सबमिट करेंगे, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और आपका पेमेंट इस प्रकार से जो है फी पैड दिखाएगा। तो अगर आपको पैसा अटक जाता है और यहाँ फी पैड नहीं दिखाता तो आपको 24 घंटा वेट करना, अगर दिखा देता फी पैड तो आप तीसरा स्टेप के लिए क्लिक करेंगे। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं, अब हमारा जो इस प्रकार से फॉर्म जो है खुल जाएगा। अब हम आपको आगे कंटिन्यू भर के दिखाते हैं पूरी जानकारी, हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो है इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा पार्ट टू। अब हमको यहाँ पे टेंथ के बारे में बताना है, आप यूपी बोर्ड से पढ़े, सीबीएसई से, आईसीएसई, अदर बोर्ड से, जो बोर्ड से पढ़े उसका आप जो है नाम लिख दे देंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है कॉलेज का या कॉलेज का नाम ही लिखना है, यहाँ पे अच्छे से आप जो है लिख दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है पासिंग ईयर बताना है कि मैट्रिक आपने कब पास किया, फिर आपका मैट्रिक का रोल नंबर क्या रहा है, फिर आपका जो है मार्कशीट नंबर क्या रहा है, फिर टोटल मार्क्स कितना आपका था, कितना आपको मिला हुआ है, यहाँ पे आपको जो है क्या करना है बता देना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको इंटर के बारे में बताना है कि इंटर आप कौन से बोर्ड से जो है पढ़ाई किए हुए हैं, फिर आपका पासिंग ईयर क्या है और आपका जो है यहाँ पे रोल नंबर क्या है, मार्कशीट नंबर क्या है, फिर आपको कितना में कितना मार्क्स मिला हुआ है, ये चीज आपको यहाँ पे जो है बता देना है। अब इस तरह से परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कोरस्पेंडेंस या कम्युनिकेशन एड्रेस अपना भरना है, प्रॉपर अपना एड्रेस भरेंगे, जैसे आपका गार्जियन का नाम क्या है, आपका एड्रेस जो है प्रॉपर दो लाइन को यूज करते हो, आपको प्रॉपर एड्रेस भरना है। एरिया ये आपको पता है लोकलिटी, तो भरे वरना यहाँ पोस्ट लिख सकते हैं, थाना लिख सकते हैं या पंचायत लिख सकते हैं। फिर पिन कोड, नेशनलिटी बताना है, स्टेट चूज करना है, यहाँ पे आपको
एक जो है डिस्ट्रिक्ट चूज करना, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आईडी टाइप, कौन सा आईडी प्रूफ देना चाहते हैं, राशन कार्ड, पासपोर्ट, डीएल, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, कोई एक आईडी प्रूफ देंगे, उसका संख्या लिखेंगे, फिर कैप्चा कोड भरेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे आपका जो है रिव्यू पेज यहाँ आएगा, आप जानकारी को वेरीफाई करें कि हाँ सारा जानकारी सही है, अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप बैक करके उसे सुधारेंगे, नहीं गलती है तो यहाँ आपको एग्री करना है और फाइनल सबमिट करना है, यस रुपए क्लिक करना है। अब आपका जो है तीसरा स्टेप पे अभी आपको लिखा आएगा, अब यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब आपका जो है अगला स्टेप आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। अब यहाँ पे आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करना है, फोटोग्राफ 25 से 50 केबी के बीच और सिग्नेचर 10 से 50 केबी के बीच, तो आप फोटो को यहाँ चूज करेंगे, फोटो सिग्नेचर चूज करके इसे सेव करेंगे, आपका जो है चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे पांचवे स्टेप में ईमेल या प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे, अब आपका जो है यहाँ पे पांचवा स्टेप जो है शुरू हो जाएगा, शुरू नहीं होगा सीधे ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये देखिए आपका जो है आवेदन क्या हो गया, आपको मेल भी हो गया और यहाँ पे डाउनलोड भी हो गया, ये देखिए डाउनलोड हो गया। हम इसे क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। अब हमको वेट करना है कि आपका मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, तो इसके लिए updla.gov.in की वेबसाइट पे लगातार आप विजिट करते रहेंगे और जैसे इसका लास्ट डेट खत्म होगा उसके 5 से 7 दिन या 10 दिन के अंदर जो है आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तो आपको स्टेट रैंक शो करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग कराना होगा। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा किस प्रकार से यूपी डीएलएड बीटीसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है।